अब आप देखें कि अगर आप इंसान को सिर्फ कत्ल, खून, रक्त, इनकलाब वगैरह वगैरह जो सारे कुछ होते हैं उनसे जोड़िए, और एक आदमी ये कह रहा कि हिंसा जो है वह स्व का संकुचन है और अहिंसा जो है वो स्व का विस्तार बना लिए, जैसे भारतीय संस्कृति का सारा टेंडर उन्हीं के नाम खुल गया है। लेकिन किशोर जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो कहते हैं कि अहिंसा की साधना प्रक्रिया से प्रसूत समग्र अस्तित्व की समस्त अस्तित्व की एकता की अनुभूति ही भारतीय संस्कृति की साधना है। और उनका पहला प्यार उर्दू है, और उर्दू के बड़े शायर गालिब ने कहा था कि अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, आगही कर नहीं गफलती सही। ये अपनी हस्ती लफ्ज़ जो है ये स्व का भी अर्थ देता है, हस्ती लफ्ज़ आपके एग्जिस्टेंस का भी अर्थ देता है, बीक का अर्थ भी देता है, कुल कायनात का अर्थ भी देता है। अब अपनी हस्ती से जब आप सारी चीज़ें देख रहे हैं और अपनी हस्ती ही को उस मरकज में केंद्र में रख रहे हैं तो आपकी स्थितियाँ बिल्कुल दूसरी तरह होती है। और जब उनका ये पढ़ते याद आता है जिसने कहा था कि खराब कला एक तो वहाँ जहाँ शिल्प के प्रति लापरवाही की प्रवृत्ति हो, और दूसरे वहाँ जहाँ शिल्प को कत्ते से अलग थलग अलग मान्य वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाए। हम हमेशा ये कहते हैं, मुझे भी कई लोगों ने पहले पूछा और इस तरह के लोगों को पढ़ने से चीज़ हम अच्छा आप क्या करते हैं शायरी को, अच्छा आपकी शायरी का विषय मुझे लगा के वैसे मेरे संस्मरण आपने कहीं पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि उसके बाद जैसे मैंने ये बात कही, लेकिन ये बात के इनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं इस आदमी को किस एंगल से भी पढ़ा जाना चाहिए। माफ कीजिए, मिलना तो मैं गालिब से भी नहीं मिला, वीर और इकबाल से भी नहीं मिला, लेकिन मैं उन्हें तबीयत से पढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे जो मैंने पहले कहा आपसे कि डब्ल्यू एच ऑर्डर ने जो दूसरी बात कही कि वो मुझे ये बताए कि मैंने फलां लेखक को ठीक से नहीं पढ़ा था इसलिए वो लेखक मेरे ठीक नहीं रहा, ये मेरी गलती थी, इस गलती का एहसास मुझे करवा दे, वो भी एक बड़ा आलोचक होता है। नंदकिशोर आचार्य मेरे व्यक्तिगत रूप से और भी कुछ लोग होंगे कि जिनमें हौसला होता है किसी में स्वीकार करने का हौसला नहीं होता, अल्लाह ने मुझे हौसला दिया तो मैं इनको मैंने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था। वो अकेले काबिल तिरशा ही नहीं, उनके बाद क्या उसे पढ़ना अच्छा लगना चाहा, और ये दोनों सूरतें मैं समझता हूँ कि किसी भी पर नींद है क्या नींद जो बुन न सके सपना सपने, कैसी वह भाषा जो कह न सके देखो तो किरदार की लोग फिर करते हैं तो ये कह रहे हैं कैसी वह भाषा जो कह न सके देखो। उनकी आलोचना को अगर एक किसी सूत्र में उनके आपने बड़ी तारीफ की उनके सुखात्मक की हमारे यहाँ सूत्र में ही सारा श्रेष्ठ साहित्य है, उसके फिर भाष्य लिखे जाते हैं, फिर टीकाएं लिखी जाती है, फिर लघु टीकाएं लिखी। एक सेंटेंस में आपको वो बता देते हैं कि आप क्रिएटिविटी कैसे एमर्ज होती है, आप पोएट्री लिखते हैं तो उस क्षण क्या होता है। रघुवीर साहब को प्यार करना मैंने उनसे सीखा, और जो कविता आपने हवाला दिया उसमें कविता उधर भी करके रघुवीर साहब को कैसे प्यार किया जा सकता है